हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आई थिंक कि हम लोगों ने ग्राम प्लाफ डिसीजन पढ़ लिया था। अच्छा बेटा, आज हम लोग गैस के, लास्ट टाइम हम लोगों ने गैस का टॉपिक खत्म किया था, तो इस चैप्टर चैप्टर टू के अंदर जो न्यूमेरिकल हैं वो गैस के ही हैं। आ रही है बात समझ में? किसके न्यूमेरिकल हैं? गैस के। तो अभी हम लोग करेंगे गैस के न्यूमेरिकल। हाँ भाई, क्या काम करेंगे? गैस के न्यूमेरिकल मेरे बच्चों। तो आप लोगों ने ये ले लिया है 30 ईयर के? नहीं लिया? अच्छा ठीक है ठीक है। हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, टाइप 1 के हम लोगों ने पहला और तीसरा न्यूमेरिकल किया था। अगर देखें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा सा जो है ना मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, इसलिए ज्यादा करवाना पड़ेंगे। करें 1.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 900 bar वाज फाउंड टू हैव अ मास 2.27 g। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। जरा देखें, ये करा है 1.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम। तो चैप्टर नंबर 2 है मेरे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा टाइप जो है टाइप 1 है। अच्छा बेटा, जरा देखें यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर है 4। अब हम लोग लिखेंगे डेटा, वॉल्यूम बता रहा है 1.40 डीएम क्यूब। Collected at a temperature of 27 degree centigrade. टेम्परेचर दिया गया है मेरे बच्चों कितना? 27 degree centigrade. मैंने क्या बताया था, टेम्परेचर जब सेंटीग्रेड में दिया जाए तो किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। कैसे करेंगे? 27 प्लस 273 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। आगे कर रहा है एंड प्रेशर ऑफ 900 bar। प्रेशर कितना बता रहा है? 900 bar। तो ये टॉर में है। प्रेशर को किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीएम में। कैसे एटीएम में कन्वर्ट करते हैं? 760 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये मेरे बच्चों बनेगा 900 डिवाइड बाय 760। जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है? शाबाश, जल्दी करें। है आपके, आप में से किसी के पास कैलकुलेटर? जल्दी करो मेरे बच्चे, इसका आंसर मुझे बताओ। वन पॉइंट 184 यूनिट क्या बनेगी? एटीएम। वाज फाउंड टू हैव अ मास 2.273 g। मास जो है, जब भी ग्राम में माप ली होती है, स्मॉल एम होता है, 2.273 g। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। मॉलिक्यूलर मास को किससे दर्ज करते हैं? कैपिटल एम से। बच्चों लिखेंगे हम लोग कौन सी चीज? सॉल्यूशन। फार्मूला क्या बनाएंगे?
पीवी इक्वल टू एन आर सी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए पी आपको गिवन है, वी भी गिवन है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है 0.0821 और टेम्परेचर भी गिवन है। आपके पास सिर्फ एन नहीं है। कोई बच्चा बता सकता है हमने हमें मास किया गया और मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो एन की जगह क्या लिखेंगे? एन की जगह हम लोग लिख देंगे, एन की जगह लिखेंगे मास अपान मॉलिक्यूलर मास, क्या आ जाएगा आर टी। आगे यहां पर रीजन भी लिखना है, क्या रीजन होगा कि मोल जो होते हैं मोल स्मॉल एन मोल को जाहिर करता है, मास अपान मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है। अब इस इक्वेशन को हमने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, जो चीज फाइंड करनी है वो दूसरी साइड पर अलग कर देंगे। ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने डिवाइड कर मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी भी मल्टीप्लाई कर डिवाइड हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा एम आर टी अपान पी वी, एम अच्छा मास की जगह क्या लिखेंगे, टू पॉइंट टू सेवन थ्री ये गिवन है, आर की जगह 0.0821 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना है मेरे बच्चों 300। अब हम डिवाइड करेंगे पी मेरे बच्चों कितना है 1.184 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वी वॉल्यूम कितना है 1.40। आप जरा देखें इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, ऊपर वाली वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करें नीचे वाली वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करें। शाबाश जल्दी जल्दी बता दें ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के पास। जी बेटा 55.98 अपान ये जो नीचे वाली वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आ रहा है। अब इनको डिवाइड कर दें बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? किसी बच्चे ने किया? थर्टी थ्री पॉइंट नाइन का क्या मतलब है 34 यूनिट क्या आ जाएगी ए एम यू। जी बेटा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, मैं अपने बच्चों को बता दूंगा। बेटा कोई पेन है आपके पास? बेटा इसकी पिक्चर ले लें और बच्चों को सेंड कर ये ले लें। हाँ भाई किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यार इसने सही तमाशा बनाया हुआ, ये तुमने कुछ किया है साहब, मैं ठीक ठाक छोड़ कर गया था।
नहीं होता तो ना हो फिर तेरी मर्जी। जी बेटा किसी बच्चे ने कुछ कुछ है। अच्छा बच्चों आपने इसकी पिक्चर ले ली। अच्छा अब हम लोग इसके बाद सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा बात ये है क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन डीएमक्यू। ठीक है जी क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है। आर की दो वैल्यू है दोनों के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा और इस दफा इंशाल्लाह आएगा बोर्ड के पेपर में। करा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर आपने क्या फाइंड करना है आर। ठीक है जी जब R की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन PN प्रेशर किस में है एटमॉस्फेयर में और मेरे बच्चों वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। समझ में आ रही है बात बच्चों। हम लोग इसके लिए जरा देखें यहां इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि गैस का एक मोल है। क्या कंसिडर करते हैं गैस का एक मोल। जब गैस का एक मोल होता है तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन होती है एसटीपी। ठीक है जी एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 एटीएम टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और वॉल्यूम होता है कितना 22.4 डीएम क्यूब। देखें ये मैंने सपोज किया है तो इसमें जरा देखिए एक वैल्यू आपको अब मैं यहां पर लिख रहा हूं हियर। जरा देखें एक ये चीज आपके पास आ गई 1 मोल। मोल को कितने लिखते हैं एन से 1 मोल हो गए। ठीक है जी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेरे बच्चों कितना होता है 273 केल्विन। एसटी और फिर अभी पी है स्टैंडर्ड प्रेशर। मेरे बच्चों स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। और इस इन कंडीशन पर अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो प्रेशर 1 एटीएम हो गैस का एक मोल हो तो उसको पता है वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम 6 होता है 22.4 डीएम क्यूब। देखे ना उसने शर्त क्या लगाई थी। उसने शर्त लगाया था वैल्यू ऑफ आर फाइंड करें जब प्रेशर व्हेन पी इन एटीएम प्रेशर एटीएम में हो तो हमारे पास प्रेशर किस में आ रहा है एटीएम में आ रहा है एंड वी इन डीएम क्यूब वॉल्यूम किस में आ रहा है डीएम क्यूब में आ रहा है। बच्चों समझ में आ रही है बात। दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसके साथ का उसमें कहा जाता है प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर यहां पर हम ये नहीं लिखते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं वो अलग होती है। और वॉल्यूम जो होता है वो मेरे बच्चों हम कितना लिखते हैं कि यानी वो कहता है कि डीएम क्यूब में नहीं मीटर क्यूब में हो तो फिर ये वाला वॉल्यूम नहीं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो आगे आएगी तो फिर उसमें करेंगे। आप जरा देखें अब हम इक्वेशन लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या फाइंड करना है आर तो एन और टी आर के साथ मल्टीप्लाई है इधर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड तो क्या बन जाएगा अपान एम टी इक्वल हो जाएगा कौन सी चीज आर। तो आर लिखेंगे पी
प्रेशर कितना है मेरे बच्चों, 1 atm, तो ये लिखेंगे 1 और साथ यूनिट भी लिखने हैं तो अच्छा है, यूनिट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई वी 22.4 यूनिट क्या है dm³ अपान एम मोल, कितने मोल है 1 मोल। और मेरे बच्चों टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। हाँ भाई बच्चों, अब आर की पता है वैल्यू क्या आएगी, जब ये ऊपर वाली वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये देखिए ये 1 है, ये 22.4 है, 1 को जब 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, क्यों भाई 1 मल्टीप्लाई 22.4 तो आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, कोई स्टूडेंट है जो कैलकुलेटर के बगैर बता सके? तो मेरे बच्चों पता है आपको 1 मल्टीप्लाई होता है कोई चेंज नहीं आती, 22.4 आ जाएगा। यूनिट क्या बनेगी ATM dm³, ऊपर ATM और dm³ अपान के नीचे क्या रह जाएगा 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 273 से तो क्या बन जाएगा 273। यूनिट क्या रह जाएगी मोल और साथ क्या रह जाएगा केल्विन। मेरे बच्चों जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे आपके पास R आ जाएगा 0.0821। शायद आप कैलकुलेट करें थोड़ा सा चेंज भी आए, अगर मैं ये 273.6 होता है सही जो आंसर होता है, लेकिन यही आंसर होगा आपके पास जो आ रहा है वही लिख दें। क्या लिखेंगे ATM dm³। अब या तो अपॉन की लाइन ड्रा कर दें, ये वाली लाइन और साथ क्या लिखेंगे मोल और केल्विन। अगर आप ये लाइन नहीं ड्रा करना चाहते समझ आ रही है बात, तो यहां भी आप फुल स्टॉप लगा दें और इसकी पावर भी -1 लिख दें, इसकी पावर भी -1 लिख दें। पावर -1 का मतलब ये है कि ये अपान के नीचे हैं। तो ये मेरे बच्चों आपके पास आर की वैल्यू आ गई है। अगर कोई बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। इंशाल्लाह इस दफा बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ये एक्चुअल यूनिट है आर का,
हाँ भाई बच्चों, लिख लिया नहीं लिख लिया या लिखना ही नहीं चाह रहे? यार बेटा आपने इनको सेंड कर दिया, ये किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ तो चार क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, तो क्या कहते हो कि इस टाइप के बाकी क्वेश्चन मैं और करवाऊं या आप खुद करोगे? अच्छा अच्छा एक और काम कर लेते हैं, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको समझा देता हूं। हाँ भाई रहा है, अच्छा बल्कि 6 में जरा देखें, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट आर एंड टू डिफरेंट यूनिट। एक ये यूनिट हो गई, इसमें हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है जी। अब दूसरी यूनिट में भी कर लेते हैं, क्या कहते हो? तो मैं जरा इसको अब मिटा रहा हूं, जी मेरे बच्चों। अब दूसरी यूनिट पता है कौन सी होगी? वैल्यू ऑफ आर व्हेन पी इन एटीएम की बजाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम डीएम क्यूब की बजाय मीटर क्यूब में हो जाएगा। सही है? अगर देखें हिंट स्टोर करेंगे, 1 मोल ऑफ दैट एट एसटीपी, 1 मोल हो जाएगा, टेम्परेचर 200 डिग्री केल्विन होगा। प्रेशर जब हम एटीएम बजाय न्यूटन पर मीटर में लेते हैं तो ये होता है 101325। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जरा देखें मेरे बच्चों। 1 एटीएम को जब हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एटीएम नहीं रहता। ये हो जाता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या इस तरह लिखे एक ही बात है। और वॉल्यूम ये डीएम क्यूब में, हमने किस में लेना है? मीटर क्यूब में। मेरे बच्चों डीएम क्यूब को जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पता है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.0224 मीटर क्यूब। अब फिर आगे वही काम, जरा देखें। काम ये करना है कि हम लोग लिखेंगे, फॉर इक्वेशन क्या है? PV = NRT। R फाइंड करना है तो R अलग करेंगे, NT R के साथ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। PV/NT किसके इक्वल हो जाएगा? R के। अब R जरा देखें, P की जगह क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? P की जगह हम लोग प्रेशर लिखेंगे 101325। यूनिट क्या बनेगी? इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये पावर 2 है, मैंने अपान नहीं लगाया, यहां माइनस लगा दिया उसकी जगह। वॉल्यूम मेरे बच्चों कितना लगाएंगे? 0.0224 मीटर क्यूब अपान। एन कितना लिखेंगे? 1 मोल।
और टी कितना लिखेंगे मेरे बच्चों, वही 273 केल्विन। जी बच्चों, अब बात ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जो आंसर आए उसको किससे कर दें, 273 से डिवाइड कर दें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चों 8.314। आपके पास आ रहा होगा 3, नहीं तो उसको मैंने 4 कर दिया। पता है क्या, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर क्यूब डिवाइड बाय, यूनिट कौन सी आ रही है, मोल और केल्विन। मेरे बच्चों ये भी मीटर है, ये भी मीटर। आप पता है जब दो एक ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उनकी पावर आपस में प्लस होती है, तो -2 + 3 क्या बन जाएगा, 1। -2 + 3 1 हो जाएगा, तो आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.314 न्यूटन मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई रहते हैं, जब मल्टीप्लाई रहते हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी, -2 + 3 तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन मोल केल्विन ये लिखें, या एक और बात बता दूं, न्यूटन मीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जूल बन जाता है, तो इन दोनों की जगह आप जूल भी लिख सकते हैं, आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये है आपका आंसर, बल्कि आंसर तो ये दोनों है, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के। ये एमसीक्यू भी बहुत पूछा जाता है, N.m = ठीक है, तो किसके इक्वल होता है मेरे बच्चों, जूल के इक्वल होता है। आप जरा देखे ना, ये भी आर की वैल्यू है, इससे पहले जो आपने फाइंड की वो भी आर की वैल्यू है, फर्क क्या है, दोनों में यूनिट का फर्क है। ये देखिए उसमें क्या था, ATM DMQ पर मोल पर केल्विन, इसमें है जूल पर मोल पर केल्विन या न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, वैल्यू दोनों बराबर है। याद रखें कि ये वैल्यू और वो वाली वैल्यू, ये ना कहें कि वो छोटी वैल्यू ये बड़ी वैल्यू, नहीं, दोनों आर की वैल्यू सेम है, आ रही है ना बात समझ में। जरा देखिए, एक बंदा कहता है जी मेरा जो कद है वो कितना है भाई, 2 मीटर है। एक कहता है नहीं मेरा कद, वही बंदा कहता है 200 सेंटीमीटर है। तो देखिए 2 मीटर और 200 सेंटीमीटर, तो कौन सा ज्यादा है, दोनों बराबर है, यूनिट चेंज हुई, इस वजह से मैग्नीट्यूड नंबर भी क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये मेरे बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जी सर, किसी बच्चे ने कुछ पूछा है, टाइम बता दें, टाइम कितना है। जी बेटा, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग, बेटा इसकी पिक्चर ले लें और इनको सेंड कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 आएंगे, इससे पहले वाला भी जो किया है, 5B और ये भी याद रखें, सिर्फ ये नहीं है, उसने कहा वैल्यू ऑफ आर इन 2 डिफरेंट यूनिट। जी बच्चों, लिख लिया, किसी बच्चे ने सर कुछ नहीं कहा, अच्छा अब उसके बाद हम लोग आगे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, बात ये है क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 कर रहे हैं। कह रहा है a given mass of gas occupies 76 सेंटीमीटर क्यूब, बता सकते हैं ये क्या चीज है 76 सेंटीमीटर क्यूब? कोई बच्चा बता सकता है? जी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एंड 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर तो जब भी सेंटीग्रेड में है बगैर सोचे समझे केल्विन में कन्वर्ट कर दें। कैसे करो कन्वर्ट करेंगे? 16 प्लस 273 कितना हो जाएगा? 289 केल्विन। एंड 760 टॉर प्रेशर, प्रेशर कितना दिया गया है? 760 टॉर। कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट एसटीपी। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है मेरे बच्चों एट एसटीपी, यानी एसटीपी टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। और प्रेशर कितना होता है? अगर यहां टॉर है तो यहां पर भी टॉर लिख देते हैं, 760 टॉर, 180 mm जो आप करना चाहते हैं। अच्छा बेटा देखें, दो दफा वॉल्यूम आ गया तो शुरू वाले वॉल्यूम को भी वन, दूसरे को भी टू कह देते हैं। दो दफा टेम्परेचर, ये टी वन, ये टू, टी टू, ये टी वन और ये टी टू। आप लिखेंगे सोल्यूशन, जरा देखें मेरे बच्चों याद रखें, अगर आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अगर आर आर आए आर, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब की बजाय आपने डीएम क्यूब में करना पड़ेगा और प्रेशर टॉर की बजाय एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये शर्त किस वक्त है? जब फार्मूले में आर हो, ठीक है जी। लेकिन मेरे बच्चों जब इस तरह की वैल्यू आ जाती है दो दो दफा वी वन वी टू टी वन टी टू पी वन पी टू, तो इस तरह के फार्मूले में फिर आर नहीं आता। एक फार्मूला मैं आपको यहां लिख कर दे रहा हूं, ये फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होता है। फार्मूला होता है पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में कहीं आपको आर लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा आप पता है क्या, जो जो चीजें हैं वो इसी तरतीब से लिखने, जो चीज नहीं है देखें वॉल्यूम में हम वॉल्यूम भी लिखेंगे, आप प्रेशर भी लिखेंगे, टेम्परेचर भी लिखेंगे, मोल का वहां कोई लिखा नहीं, मोल नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। तो जरा देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, पी वन वी वन अपान टी वन इक्वल हो जाएगा पी टू वी टू अपान टी टू। ये फार्मूला बन जाएगा। फार्मूले में आर नहीं है, आर नहीं है तो आप भले वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रहने दें और प्रेशर को किस में टॉर में रहने दें, लेकिन क्या शर्त है कि दोनों में अगर यहां टॉर है तो यहां भी टॉर होना चाहिए। टेम्परेचर हर हाल में केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, V2, तो V2 अलग करेंगे, ये T2 और T2 इधर लेंगे, T2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, T2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। फार्मूला क्या बन जाएगा, P1 V1 T2 अपॉन T1 T2 इक्वल क्या हो जाएगा, V2। मेरे बच्चों V2 हमारे पास क्या बनेगा, P1 की जगह क्या लिखेंगे, 760 टॉर मल्टीप्लाई, V1 की जगह क्या लिखेंगे, 76 मल्टीप्लाई, T1 की जगह 289 अपान T1 की जगह T2 लिखना था 273। अब 289 यहां नीचे आ जाएगा, यह टेम्परेचर है T1 और P2 मेरे बच्चों कितना है, 760। तो जरा देख लें, ये आई थिंक 73 या कुछ इतना आएगा। आप बेटा जरा करें इसको कैलकुलेट करें
और फौरन मुझे बताएं। 73 या 72 तक आंसर आएगा, जरा देखें क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके मुझे बताएं। कोशिश करें कि ऊपर वाले वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली वैल्यू को अलग मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें, तब आपका आंसर ठीक आएगा। यार ये गलत है, ऊपर वाले की क्या रही है, 1576868480 डिवाइड बाय, ये नीचे वालों की बताएं, 219640। आप ओवरऑल बताएं, बच्चों ओवरऑल भी बता दो। सेवेंटी वन पॉइंट सेवन नाइन यूनिट क्या होगी, जो पहले वाली यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, वही यहां पर भी होगी। ये मेरे बच्चों आपका आ गया आंसर। जी बच्चों, किसी बच्चे को अगर कोई पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर इसकी पिक्चर लेकर जल्दी जल्दी भेज दें इनको, टाइम शायद कम रहता होगा, कितना टाइम रहता है इनको भेज दें। बेटा ये जरा उठा लेना यहाँ से,